Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 22 of Introduction to Trail Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.1 एग्जांपल्स ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ट्रेल्स ऑफ सीक्वेंस एंड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 एग्जांपल तक डिस्कस की थी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें हमने फाइंड करना है कि लिमिट ऑफ n प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस n स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट। पहले हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देखें नेक्स्ट क्या आता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया इस टर्म से, देखें ये क्या आता है। जब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये बन जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आ जाएगा ये n प्लस 1 माइनस n ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट। तो इस n से ये n कैंसिल तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट। और ये अगर स्टूडेंट्स n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो उस सूरत में अब ये क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू ये लेस हो जाएगी 1 ओवर n स्क्वायर रूट से, और जो 1 ओवर n स्क्वायर रूट है ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि 1 प्लस n स्क्वायर रूट माइनस n स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट विच इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर n स्क्वायर रूट विच इज लेस देन एप्सिलॉन। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 वी ऑब्टेन 1 ओवर n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। कि अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो यहां से हम देखें, जब हमने इस चीज को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 1 ओवर n स्क्वायर रूट जो कि लेस देन है एप्सिलॉन। और ये लेस देन एप्सिलॉन उस वक्त है जब 1 ओवर n इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, यानी वी ऑब्टेन 1 ओवर n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ। अब देखें यहां से हमने क्या किया कि n 1 ओवर n की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वांटिटी का क्या किया, वो साइड पर स्क्वायर लिया तो ये बन गया स्टूडेंट्स इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बन गया 1 ओवर n इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहां से देखें अगर हम इस n और एप्सिलॉन की जगह रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर विच इज लेस देन n, या इसको हम कह सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स के n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k होता है। ठीक है, यानी जब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो, दिस इंप्लाइज के 1 ओवर k, सॉरी 1 ओवर k यहां पर k आना है, तो 1 ओवर k इज लेस देन एप्सिलॉन, यहां पर k लिखना था, यहां पर आना था स्टूडेंट्स के 1 ओवर k इज लेस देन एप्सिलॉन, 1 ओवर k इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी यानी लिमिट ऑफ सीक्वेंस की, हमने ये पढ़ा था कि अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 हमें गिवन हो तो देन हम एक नंबर k फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, k ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, हमें क्या मिलता है, एक नेचुरल नंबर मिलता है k ऑफ एप्सिलॉन साइड दैट कि x n माइनस x का मॉड ये क्या होता है,
लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट एग्जांपल देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि 1/k इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से मैंने आपको k की वैल्यू भी बताई थी कि हम k की वैल्यू चूज करने के लिए क्या लेते हैं, 1/k इज लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं। तो यानी जब आप यहाँ से k को रिप्लेस करते हैं तो देखिए क्या आता है, जब आप एप्सिलॉन और k को आपस में रिप्लेस करते हैं तो ये आता है 1/ε इज लेस देन k। यानी अगर हमने कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू चूज करते हैं, कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू, तो उस सूरत में जो k होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है 1/ε से। तो यहां से हमने 1 k इज ग्रेटर देन 1/ε, तो यहां से हमने ये वैल्यू निकाली थी कि 1/k इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जब हमने सीक्वेंस यानी लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हो तो उसके लिए एक हमें नेचुरल नंबर मिलता है के ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, और देखें यहां पर के इज ग्रेटर देन 1/ε, यानी जो के है वो एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है कि आप एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू चूज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम के की वैल्यू हमें हासिल होती है। तो जो k होते हैं वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, तो हमें एक ऐसा नंबर k मिल जाता है जिसके लिए अगर xn-x का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो देन दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x, या हम कहते हैं कि जो x है वो इस सीक्वेंस की लिमिट है। तो देखिए यहां पर हमने k की वैल्यू चूज करने के लिए स्टूडेंट्स हमने ये चीज की है कि 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, तो और जो यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1/ε इज लेस देन n, या यहां से ये भी कह सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 1/ε। और n क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन k होता है, यानी n क्या होता है ग्रेटर देन k होता है। देखिए यहां पर कि हम n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k लेते हैं, तो n तो हमारे पास ग्रेटर है ये किससे, 1/ε स्क्वायर से। तो यहां से हमें k की ये वैल्यू मिली कि k जो भी हमने लेना है, कोई भी अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो चूज करते हैं उसके लिए इस क्वेश्चन के लिए हमें k की ये वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। अगर हम k की ये वैल्यू चूज करते हैं देन दिस फिर ये क्या होगी, ये वाली जो रिलेशन होगी वो क्या करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है, यहां से हमने k को फाइंड करने के लिए, ठीक है, यानी हमने ये कहा था कि अगर हमें एप्सिलॉन कोई ग्रेटर देन जीरो हो तो यहां से हमने स्टूडेंट्स k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये प्रोसीजर किया है। तो n इज ग्रेटर देन 1/ε स्क्वायर, तो n हमें क्या होता है, n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल देन हम k लेते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको फिगर के जरिए बताया था, और ये बन जाएगा 1/ε स्क्वायर। थस इफ वी टेक k इज ग्रेटर देन 1/ε स्क्वायर, यानी देखिए अब हमें n यानी इज ग्रेटर देन इक्वल देन k, यहां से हमें k की वैल्यू मिल चुकी है कि अगर हम k इज ग्रेटर देन 1/ε लेते हैं देन दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन हमें मिलता है। यानी अब हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि अगर हमें एप्सिलॉन इज यानी ग्रेटर देन जीरो, यानी एप्सिलॉन अगर कोई छोटी सी वैल्यू के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन के लिए एप्सिलॉन ये चूज करते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये एप्सिलॉन क्या है, ये बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। देखिए इसके लिए के की हमें क्या वैल्यू मिलेगी कि हमने ये कहा था कि के इज ग्रेटर देन 1/ε स्क्वायर, तो यहां से अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे है 1/10 इसका स्क्वायर बनेगा, तो अगर आप इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा के इज ग्रेटर देन 1/100। ठीक है, ये 1/10 का स्क्वायर है, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 100। तो हमें एप्सिलॉन की, देखें एप्सिलॉन की इस छोटी सी वैल्यू के लिए हमें के की बड़ी वैल्यू मिल रही है, यानी के इज ग्रेटर देन 100। तो देखें जब हमने कोई एप्सिलॉन चूज किया था तो हमें के की वैल्यू भी मिल रही है, तो अगर हम एन क्या लेंगे, अगर हम एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 100 लेंगे, यानी ठीक है k क्या है, ग्रेटर देन 100 है, तो हमने n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k लेते हैं। ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k लेते हैं, तो
अब k तो ग्रेटर देन 100 है, तो हमें n की क्या लेनी पड़ेगी, अगर हम 100 से बड़ी वैल्यू लेते हैं देन फिर ये क्या होगी स्टूडेंट्स के, यानी एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लाजमी तौर पर होल्ड करेगा। अगर ये होल्ड करेगा तो अगर ये चीज होल्ड करती है तो इसका मतलब है कि जो एक्स एन है वो कन्वर्ज करती है एक्स को, या जो एक्स एन की लिमिट है वो क्या है एक्स है, ठीक है। तो यहां से देखें अब ये चीज क्या हो रही है, होल्ड कर रही है, तो यहां से हमें के की वैल्यू मिल चुकी है। तो अगर हमें के की वैल्यू मिल जाती है तो मतलब ये है कि ये जो इसका मॉड होगा, यानी ये कोई सिक्वेंस है स्टूडेंट्स, यानी अगर आप, क्योंकि लिमिट इसकी क्या है जीरो है, तो अगर आप इस वैल्यू में से अगर आप जीरो भी माइनस कर दें तब भी यही वैल्यू बनेगी कि एन प्लस वन का, एन प्लस वन का स्क्वायर रूट माइनस एन स्क्वायर रूट का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन के, यानी के क्या है इज ग्रेटर देन 100 है। अगर आप एप्सिलॉन कोई चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एप्सिलॉन चूज कर लेता हूँ 1/10, तो इसके लिए मुझे के की वैल्यू मिल रही है। तो अगर मैं एन इज ग्रेटर देन 100 लेता हूं तो उस रूप में मुझे एक यानी एप्सिलॉन ट्यूब मिलेगी, एप्सिलॉन ट्यूब जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फिगर के जरिए समझाया था। तो यहाँ पर जो लिमिट है इसकी ये जीरो, ये इसकी जीरो लिमिट है। ये जो सीक्वेंस होंगी इसकी कुछ टर्म्स क्या होंगी इस ट्यूब में लाजमी तौर पर लाई करेंगी, तो अगर लाजमी तौर पर लाई करेंगी तो मतलब ये चीज लाजमी तौर पर सेटिस्फाई होगी। अगर ये चीज सेटिस्फाई होगी तब ये चीजें यानी सीक्वेंस की कुछ टर्म्स इस ट्यूब के अंदर लाई करेंगी, ठीक है। तो यहां से हमने जो एन की वैल्यू लेनी है वो ग्रेटर देन के लेने लेते हैं तो ये चीज होल्ड कर जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास की है जीरो। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर हम एप्सिलॉन ये चूज करते हैं तो हमें के की ये वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो के हमें ग्रेटर देन 100 लेना पड़े। अब ये चीज क्या होगी कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हमारे पास में जीरो होगी। तो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5, तो इसमें हमने ये फाइंड करना है कि अगर बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो देन लिमिट बी एन इज इक्वल टू 0। हमें ये फाइंड करना है कि लिमिट ऑफ बी एन, बी की पावर एन इज इक्वल टू 0, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं, अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो देन बी एन क्या होगा, ये लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन होगा, यानी एप्सिलॉन क्या है कोई पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है। तो बी तो जीरो से एक बड़ा है और वन से छोटा है, यानी जीरो और वन के दरमियान कोई भी वैल्यू ये बी है। तो अब अगर हम बी की पावर एन ले लेंगे ये मजीद छोटी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, ये क्या बन जाएगी मजीद छोटी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो उस सूरत में अब ये जो बी एन होगा ये एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा, तो यहां से हमने एन को यहां से वैनिश करना है, एन को यहां से खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे नेचुरल लॉग लेंगे। जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, तो दोनों साइड पर अगर हमें नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा तो ये बन जाएगा एन नेचुरल लॉग बी इज लेस देन नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन। तो देखिए यहां से एन क्या मिल जाता है, जब आप इस एप्सिलॉन नेचुरल लॉग ऑफ बी को अगर आप यहां पर डिवाइड करें तो ये बन जाता है कि एन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बी। देखें नेचुरल लॉग ऑफ बी इज लेस देन जीरो है, तो जब हम ये जो एन नेचुरल लॉग ऑफ बी इज लेस देन नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन, तो अगर ये यानी लेस देन जीरो वैल्यू है तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो एन होगा, ये जो एन होगा ये अब ग्रेटर हो जाएगा, यानी जो लेस की जो हमारे पास थी इनक्वालिटी वो क्या हो जाएगी ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। तो इस चीज को भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में इजली देख चुके हैं, तो ये अब हमें मिलेगा एन इज ग्रेटर देन नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बी। देखें ये अब लेस देन जीरो कैसी आई है, देखें यहां पर हमें बी क्या था, बी इज ग्रेटर देन जीरो
और लेस देन 1 था। तो अगर आप दोनों साइड पर नेचुरल लॉग लेंगे ये बन जाएगा यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 0 और ये बन जाएगा लेस देन नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या होता है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमें सिर्फ मिलेगा कि नेचुरल लॉग ऑफ b इज लेस देन 0। नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, और 0 का नेचुरल लॉग क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ से हमें ये सिंपल मिलता है कि नेचुरल लॉग ऑफ b इज लेस देन 0, ये वैल्यू। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो n इज ग्रेटर देन नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ b। तो थस इफ वी टेक k टू बी नंबर साइज दैट, अब देखें n n जो हम क्या करते हैं कि n क्या चूज करते हैं, n इज ग्रेटर देन k चूज करते हैं। तो अब k हमें क्या चूज करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ b। हमें इस वैल्यू से बड़ी k की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, और जो हम n लेंगे, ठीक है, यानी अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो उसके लिए हम एक k फाइंड करेंगे। देखें अब यहां से k हमें क्या मिलेगा, k इज ग्रेटर देन नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ b। तो जो हम n चूज करेंगे, ठीक है, ये वाले जो n होते हैं, अगर ये हम n चूज करेंगे ग्रेटर देन k, और k ग्रेटर देन हम लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन और नेचुरल लॉग ऑफ b। अगर हमें देखें, अब हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए k की वैल्यू मिल रही है, तो k ग्रेटर देन इस वैल्यू से होगा, देन वी विल हैव बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें, तो यहां से अगर हम, तो ये चीज होल्ड करेगी, यानी बी एन माइनस 0 का मॉड ये अब लेस देन एप्सिलॉन होल्ड होगा अगर हम n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k चूज करते हैं, या इसको आप सिंपल लिख सकते हैं कि बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज होल्ड कर जाएगी, ठीक है। यानी हमें k की वैल्यू तो मिल चुकी है ना, k की वैल्यू मिल चुकी है, तो और n अगर हम जो भी n चूज करेंगे वो k से ग्रेटर होंगी वैल्यू, तो थस लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा ये चीज होल्ड हो रही है, उसका मतलब होगा कि बी एन की लिमिट क्या होगी, वो 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई बी ये लेते हैं 0.8 और एप्सिलॉन ये चूज करते हैं कि 0.01, यानी हम कोई बी ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये 0.8 है, और देखें और हम जो एप्सिलॉन ले रहे हैं, एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं 0.01, तो देन अब k हमें क्या मिलेगा, k इज ग्रेटर देन इक्वल देन होगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.01 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 0.8। यहां से हमें k की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलती है वो है 21। तो देखें जब हम एप्सिलॉन कोई छोटी सी वैल्यू लेते हैं 0.01, उस सूरत में हमें देखें स्टूडेंट्स k की ग्रेटर वैल्यू मिल रही है, तो जो हम ये n चूज करेंगे ये क्या होगा, ग्रेटर देन 21 होगा। तो उस सूरत में हमें स्टूडेंट्स क्या होगी कि बी एन माइनस 0 का मॉड ये अब लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, लाजमी तौर पर होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब ये लाजमी तौर पर होल्ड करेगा, इसका मतलब ये होगा कि जो 0 इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस बी एन, ठीक, तो वुड बी अप्रोक्सीमेट चॉइस ऑफ चॉइस फॉर एप्सिलॉन व्हिच इज इक्वल टू 0.01 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो ये एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए अब ये के की वैल्यू होगी। अगर आप एप्सिलॉन कोई और नंबर चूज कर लेंगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि के जो है वो एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी, नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका रिमार्क डिस्कस कर लेते हैं। रिमार्क में ये है कि के एप्सिलॉन गेम, तो देखें ये के एप्सिलॉन गेम क्या होती है, इन द नोटेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस वन वे टू कीप इन माइंड द कनेक्शन बिटवीन एप्सिलॉन एंड के
is to think of it as a game called k epsilon game. तो ये अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हम कनेक्शन अभी प्रीवियस एग्जांपल भी डिस्कस कर चुके हैं और थ्योरी भी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि एप्सिलॉन और के दरमियान क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इसके दरमियान हम रिलेशन या भी एग्जांपल के जरिए देख चुके हैं। अब इसके दरमियान जो रिलेशन है उसने इसको के एप्सिलॉन गेम कहा है। अब गेम क्या है कि इन दिस गेम प्लेयर ए असर्ट दैट A certain number x, अब प्लेयर ए क्या कहता है कि जो सर्टेन नंबर x इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस x, ठीक है, यानी प्लेयर ए क्या कह रहा है कि जो x है वो x n की जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट है। तो प्लेयर बी चैलेंज, प्लेयर बी क्या करता है, चैलेंज करता है, ठीक है, इस यानी x को चैलेंज करता है कि ये x n की लिमिट है। चैलेंज दिस असर्शन बाय गिविंग प्लेयर ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जब प्लेयर ए क्या कहता है कि जो एक्स है, जो ये नंबर एक्स है, ये एक्स एन सीक्वेंस की लिमिट है, ये प्लेयर ए कह रहा है, ठीक है, तो प्लेयर ए क्या, सॉरी प्लेयर बी क्या करता है, इस चीज को चैलेंज करता है, जो ये हमने अभी कहा है प्लेयर ए ने इस चीज को चैलेंज करता है बाय गिविंग स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी वो हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो ये वैल्यू दे देता है प्लेयर बी, और फिर इस चीज को चैलेंज करता है बाय गिविंग दिस नंबर। प्लेयर ए मस्ट रिस्पॉन्स टू द चैलेंज बाय कमिंग अप विद अ वैल्यू के सच दैट This is less than epsilon for all n is greater than k, ठीक है, यानी अगर प्लेयर ए इस epsilon greater than zero के लिए k की वैल्यू फाइंड कर लेता है, इस k को फाइंड कर लेता है such that k x n minus x मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के, यहां पर जो ये एन है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू एन की, ये अब ग्रेटर देन क्या आएंगी, के आएंगी, यानी अगर प्लेयर ए रिस्पॉन्स करता है बाय, ठीक है, फाइंडिंग के, यानी अगर प्लेयर बी हमें ये वैल्यू देता है तो उसके मुकाबले में प्लेयर ए अगर ये के फाइंड कर लेता है सच दैट कि दिस होल्ड फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन के, तो इफ प्लेयर ए कैन ऑलवेज फाइंड अ वैल्यू ऑफ के दैट वर्क्स, अगर प्लेयर ए हर बार क्या करता है कि के की वैल्यू फाइंड कर लेता है देन ही विन्स, फिर वो प्लेयर ए क्या करता है, विन कर देता है, एंड द सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और सिक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो यही मैं जो बातें हैं जो हम प्रीवियस अभी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम कहते हैं कि x n की x लिमिट है, तो अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो गिवन हो तो उस सूरत में अगर हम k फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और k और एप्सिलॉन का रिलेशन आपको पता है कि जो k होगा ये ग्रेटर देन होगा 1 ओवर एप्सिलॉन से, ये आपने याद रखना, ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है कि आप एप्सिलॉन कोई भी चूज करते हैं तो यहां से आप के इस तरह चूज करेंगे। तो अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, यानी हम के फाइंड कर लेते हैं सच दैट के एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन के, यहां से जो ये एन है, ये एन अगर हम ग्रेटर देन इक्वल देन के लेते हैं तो फिर उस टर्म्स के लिए, यानी अब ये स्टूडेंट्स, यानी अगर हम, मैं फॉर एग्जाम्पल यहां से ये बना लेता हूँ ट्यूब, तो देखें अब हम कह रहे हैं कि ये नंबर x लिमिट है, तो n हम यहां से ये चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम n यहां से ये नंबर ले लेते हैं कोई, तो अब ये नंबर ये बन जाएगा एक्स एन, यानी इस नंबर पर सीक्वेंस की जो वैल्यू होगी और इसका लिमिट से डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस को शो करता है एक्स माइनस एक्स एन माइनस एक्स, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है देन
क्या होगा कि इस सीक्वेंस की जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी, ठीक है, एक्स एन, उसकी लिमिट क्या होगी, वो कन्वर्ज करेगी एक्स को, उसकी लिमिट क्या होगी, सिंपल एक्स होगी। तो ये इस तरह गेम थी। अगर यानी हाउएवर इफ प्लेयर बी कैन गिव अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर विच प्लेयर ए कैन नॉट रिस्पॉन्स, ठीक है, अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल जाती है एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, अगर प्लेयर ए के की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता, देन प्लेयर बी विंस। तो प्लेयर बी जब विन करेगा तो इसका मतलब होगा कि सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, कि वो सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज नहीं करेगी, बिकॉज हम के की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर पा रहे। तो अगर हम के की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर पा रहे तो हम स्टूडेंट्स ये जो सीक्वेंस होगी यानी प्लेयर बी क्या कर जाएगा, विन कर जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए प्लेयर ए कोई भी के की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहा, तो प्लेयर बी क्या कर जाएगा, विन कर जाएगा। तो जब प्लेयर बी विन करेगा तो इसका मतलब होगा कि सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेंट टू एक्स, कि वो सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इन ऑर्डर टू शो अ सीक्वेंस एक्स डज नॉट कन्वर्जेस टू नंबर एक्स, इसके लिए स्टूडेंट्स हम जब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी तो इट इज एनफ टू प्रोड्यूस वन नंबर एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो एक्स एन है, यहां से ये रेज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लाइन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर प्लेयर बी विन करता है, यानी हम के की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, तो उस सूरत में जो सीक्वेंस होती है वो कन्वर्ज नहीं करती। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती एक्स को, तो इसको शो करने के लिए इतना ही काफी है कि हम एक एप्सिलॉन नॉट फाइंड कर लें, जीरो ग्रेटर देन जीरो, सच दैट नो मैटर व्हाट नंबर के इज चूजन, वन कैन फाइंड अ पर्टिकुलर एन के सेटिस्फाइंग एन के इज ग्रेटर देन इक्वल देन के, ठीक है, सच दैट के एक्स एन के माइनस एक्स इज का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर कन्वर्ज करे उस सूरत में हम क्या लिखते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन यहां पर ये ग्रेटर का है तो ये चीज शो करेगी स्टूडेंट्स के डज नॉट कन्वर्जेंट। तो देखिए अब यहां पर ये बात बताई गई है कि अगर हम के को फाइंड नहीं कर पाते तो इतना ही काफी है कि आप एक एप्सिलॉन नॉट फाइंड कर लें ग्रेटर देन जीरो, सच दैट नो मैटर व्हाट नेचुरल नंबर के इज चूजन। तो ये मैटर नहीं करेगा आप कि आप कौन सा के नंबर चूज कर रहे हैं, तो आप कोई भी के नंबर अपने से चूज कर सकते हैं कि वन कैन फाइंड अ पर्टिकुलर एन के। यहां पर अगर आप कोई भी नंबर के चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रा कर लें, यानी ये कोई ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये कोई ट्यूब है मेरे पास, तो यहां पर है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई ये के नंबर चूज करता हूं, वो कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट नेचुरल नंबर के चूजन, वन कैन फाइंड अ पर्टिकुलर एन के, तो इस के लिए मुझे एक एन के मिलेगा जो कि सेटिस्फाई करेगा कि एन के इज ग्रेटर देन इक्वल देन के, जो एन के है वो के इक्वल भी हो सकते हैं या ग्रेटर भी हो सकते हैं, या यानी यहां पर कोई वैल्यू हो सकती है या इस यहीं पर भी कोई वैल्यू हो सकती है एन के, सच दैट के एक्स एन के माइनस एक्स का मॉड इज ग्रेटर इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट। यानी अब देखें अब ये जब ग्रेटर आ जाता है तो मीन यहां पर ये वैल्यू यहां पर आ जाएंगी, इस ट्यूब से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो दिस विल बी डिस्कस मोर इन डिटेल इन सेक्शन 3.4। तो अगर ये चीजें बाहर आ जाती हैं, ठीक है, यानी इस डिस्टेंस से, या कोई भी अगर आप कहते हैं ये एक्स है, तो ये अगर हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि जो ये सीक्वेंस होगी एक्स एन, ये एक्स को कन्वर्ज नहीं करेगी, यानी ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, यानी इस नंबर की तरफ ये कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट हमारे पास है कि जो
एप्सिलॉन यानी जो हमारे पास है डिस्टेंस है, ये इस यानी हमारे पास जो भी हम ये नंबर एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं तो उससे ये लेस होना चाहिए था। तो अगर लेस ही होगा तो फिर ये इस ट्यूब के अंदर आएगा, अगर ये ग्रेटर हो जाएगा तो ये इस ट्यूब से बाहर आ जाएंगे, अगर ये इस ट्यूब से बाहर आ जाएंगे तो मतलब ये होगा कि जो हमारे पास है एक्स एन है, ये सिक्वेंस है, ये एक्स को कन्वर्ज नहीं कर रही। तो इसकी हम आगे हम एग्जाम्पल भी करते हैं, देखते हैं। इसकी ये एग्जाम्पल है हमारे पास के सीक्वेंस, अब हमें ये सीक्वेंस है 0202, ये हमें सीक्वेंस है, ये डज नॉट कन्वर्ज टू नंबर 0, हमने ये शो करना है कि ये 0 को कन्वर्ज नहीं कर रही। तो इफ प्लेयर ए सेड दैट 0 इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अगर प्लेयर ए क्या कहते हैं कि 0 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ही विल लूज के एप्सिलॉन गेम, तो ये के एप्सिलॉन गेम लूज कर जाता है। यानी ये अब कह रहा है कि प्लेयर ए के ये 0 इज द लिमिट है, तो जब प्लेयर बी इसको कोई एप्सिलॉन की वैल्यू देगा, ठीक है, कोई भी एप्सिलॉन की जब प्लेयर बी से वैल्यू देगा प्लेयर ए को, तो उसके लिए ये के फाइंड नहीं कर पाएगा। तो अगर ये के फाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर ये के एप्सिलॉन गेम लूज कर जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जो ये कह रहा है प्लेयर ए वो क्या है, रॉन्ग है, यानी 0 अब क्या होगा, लिमिट नहीं होगी सीक्वेंस की, यानी डज नॉट कन्वर्ज टू 0। तो व्हेन प्लेयर बी, अब प्लेयर बी क्या कर रहा है, इसको एप्सिलॉन की ये वैल्यू दे रहा है प्लेयर ए को, एप्सिलॉन इज लेस देन 2, तो इसके लिए अब प्लेयर ए को के फाइंड करना पड़ेगा। तो टू बी डेफिनाइट लेट प्लेयर बी गिव्स प्लेयर ए द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, अब प्लेयर बी गिव हिम अ वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज लेस देन 2, टू बी डेफिनाइट, अब देखें जो हम एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, और ये लेस देन है एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन क्या था, ये लेस देन था 2 से, तो मीन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ये हमारे पास है इक्वल है 1 के, और ये 1 लेस देन है 2 के, तो ये हमें कोई वैल्यू दे रहा है प्लेयर बी प्लेयर ए को, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 दे रहा है। देन नो मैटर व्हाट वैल्यू प्लेयर ए चूज फॉर के, हिज रिस्पॉन्स विल नॉट बी एडिक्वेट, तो वो कोई यानी क्या कर रहा है कि इस एप्सिलॉन नॉट के लिए 1 के लिए वो के की वैल्यू यानी चूज नहीं कर पा रहा। सो यानी जो इसका प्लेयर ए का रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, नॉट एडिक्वेट होगा, यानी रिस्पॉन्स सही नहीं होगा। फॉर प्लेयर बी विल रिस्पॉन्स बाय सिलेक्टिंग एन इवन नंबर के एन इज ग्रेटर देन के, देन द क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 2। तो इस सूरत में जब एक्स एन जब हम लेते हैं, क्योंकि बिकॉज देखें एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के, एन इज ग्रेटर देन के, और हम ये ले रहे हैं ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं, तो हम एन इज इक्वल टू या 2 के लिए या ग्रेटर देन 2 के लिए, तो उस सूरत में देखें अब हमें एक्स एन की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यानी एक्स एन की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इस एक्स एन के लिए देखें अब हमें ये कोई टर्म मिल रही है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर हम कोई 2 बनाते हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, अगर हम कोई भी के चूज करते हैं, कि अगर हम कोई भी चूज कर लेते हैं तो हम जो एन लेंगे वो ग्रेटर देन के लेते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर मैं ले रहा हूं एन इज ग्रेटर देन के, तो उसके लिए मैं एक्स एन ले रहा हूं 2, ठीक है, यानी यहां पर कोई फॉर एग्जांपल ये कोई एक्स एन है, तो अगर मैं इसको 2 चूज कर लेता हूं, ठीक है, देन एक्स एन माइनस 0 का मॉड ये बन जाएगा, यानी 2 माइनस 0 मॉड ये 2 आ जाएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, देखें ये एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर है। अगर हम ये शो कर लेते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट, देन
दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेस एक्स। तो यहां पर अगर आप ये जीरो रख लें, क्योंकि हम एक्स एन चूज कर रहे थे टू, तो टू माइनस जीरो का मॉड ये आता है स्टूडेंट्स टू आता है, तो टू इज ग्रेटर देन वन, थस द नंबर जीरो इज नॉट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो प्लेयर ए जो है वो यानी कि एप्सिलॉन गेम लूज कर चुका है, ठीक है, क्योंकि हमें ये देखिए जिस नाम ने ये अभी पढ़ा है यहाँ पर ये चीज ये लाइंस लास्ट वाली, तो यहां से हमें यानी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है, अगर हम ये कहता है कि अगर हमें ये गिवन हो, अगर हम ये नंबर प्रोड्यूस कर लेते हैं नो मैटर कि अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर चूज करते हैं, तो उसके लिए आप वन कैन फाइंड अ पार्टिकुलर एन के, तो अगर आप कोई भी यहाँ पर एन के, यहाँ पर स्टूडेंट जो यहाँ पर एन के है वो हम टू ले रहे हैं, टू इज ग्रेटर देन इक्वल देन के, तो सच दैट के टू माइनस जीरो का मॉड इज ग्रेटर देन वन, तो अगर ये चीज होल्ड कर जाती है देन स्टूडेंट के जो हमारे पास सिक्वेंस होगी वो कन्वर्ज नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये चीज है कि अब ये जो सिक्वेंस है वो जीरो को कन्वर्ट नहीं कर रही, जो प्लेयर ए है वो अब गेम हार चुका है जो कि एप्सिलॉन गेम थी। तो यहां तक ये चीज थी, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टेल्स ऑफ सीक्वेंस। तो टेल्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, तो यहां से इसको हम स्टडी करते हैं कि टेल्स ऑफ सीक्वेंस का मतलब ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द अल्टीमेट बिहेवियर ऑफ टर्म्स। अल्टीमेट बिहेवियर ऑफ टर्म्स क्या क्या मतलब है कि बाय दिस वी मीन दैट इफ फॉर एनी नंबर एम वी ड्रॉप द फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस एक्स एम कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेस। ठीक है, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं ये सीक्वेंस लेता हूं, ये मेरे पास एक्स एक सीक्वेंस है, तो यो यहां पर ये बात बता रहा है कि अगर हम कोई नेचुरल नंबर एम चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नेचुरल नंबर चूज कर लेता हूँ थ्री, जिस तरह ये थ्री है, तो यहां पर एम अगर आप थ्री चूज कर लेते हैं, ये कोई नेचुरल नंबर है, तो आप क्या करते हैं कि जब आप कोई नेचुरल नंबर चूज कर लेते हैं तो वही ड्रॉप द फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो यहां से हमने थ्री चूज किया है, तो हम क्या करेंगे कि सीक्वेंस में से थ्री टर्म्स को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, यानी इसको हम स्किप कर देंगे। जब आप ये थ्री टर्म्स स्किप कर देंगे तो हमें ये सीक्वेंस मिलेगी एक्स थ्री, तो ये अब बन जाएगी एट से स्टार्ट होगी एट ट्वेल्व, ठीक है, एट टेन ट्वेल्व अप टू सॉन। तो अब वी ड्रॉप द फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस एक्स एम। तो ये स्टूडेंट्स हैं एक्स एम, जहां पर ये हमने एग्जाम्पल दी थी एक्स थ्री, ये कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेस। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी देन ये भी ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन हमें ये जो सीक्वेंस मिलेगी इसको हम अभी कहेंगे टेल ऑफ सीक्वेंस, तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यानी इफ एंड ओनली इफ द ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेस। तो अगर ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो जो हमने ये भी बनाई है कि जब आप कोई नंबर एम चूज कर लेते हैं तो यहां से जो हमें ये सीक्वेंस मिलती है इसको हम क्या कहते हैं, टेल्स ऑफ सीक्वेंस कहते हैं या एम टेल कहते हैं, एम टेल ऑफ एक्स ऑफ सीक्वेंस, ये भी क्या होती है, कन्वर्जेस होती है। तो इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, तो इफ हम ओरिजिनल सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये भी क्या होती है, कन्वर्जेस होती है। और लिमिट क्या होती है स्टूडेंट, सेम इन दिस केस, इस केस में लिमिट्स आर द सेम, तो लिमिट सेम रहती है, लिमिट चेंज नहीं होती, कि इसकी जो लिमिट होगी लिमिट इस सीक्वेंस की भी यही लिमिट होगी, ये इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कि लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं है, लिमिट सेम है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अब इफ एक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड इफ एम इज अ गिवन नेचुरल नंबर then the m tail of sequence x is the sequence xm which is equal to xm plus n, n belongs to n। देखिए यहां पर अगर आप n को वेरी करते जाएं तो ये बन जाएगा xm plus 1,
अबाउट एक्स एन प्लस टू अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन टेल्स ऑफ सीक्वेंस की। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जांपल हमने दिया है, ये हमने कोई सीक्वेंस ली, अगर हम एम थ्री टेल बनाना चाहें यानी थ्री टेल बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थ्री टर्म्स को स्किप कर देंगे और बाकी जो ये एक्स थ्री होगी ये अब एट से स्टार्ट होगी, एट टेन ट्वेल्व अप टू सो ऑन, इसका ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला, ये जो एक्स एम प्लस वन है ये इसकी टर्म बनेंगे। तो अगर आप m को यहाँ पर अगर आप थ्री रखते हैं तो ये यानी अब जो सीक्वेंस होगी एक्स एम यानी एक्स थ्री सीक्वेंस, अब वो स्टार्ट होगी इसकी फोर्थ टर्म से, इसकी फोर्थ टर्म से, फोर्थ टर्म फिर यहाँ पर फिफ्थ टर्म आएगी अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फोर्थ टर्म कौन सी बनती है, एट बनती है, तो जो एक्स थ्री होगी अब ये इस एग्जाम्पल के लिए एट से स्टार्ट होगी, एट टेन ट्वेल्व, इस तरह आप ये बनाते जाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था डेफिनेशन ऑफ टेल्स ऑफ सीक्वेंस की। नेक्स्ट है हम यहाँ पर देखें इसका थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है कि लेट एक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट एम बिलोंग्स टू एन, यानी एम कोई हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, देन एम टेल, ठीक है ये एम टेल ऑफ सीक्वेंस है एक्स, ठीक है ऑफ एक्स कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ एक्स कन्वर्जेस। तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर एक्स कन्वर्जेस होगी देन ऑटोमेटिकली ये जो एक्स एम है यानी जो एम टेल है ऑफ सीक्वेंस एक्स, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेस होगी। तो इन दिस केस लिमिट इन दोनों की क्या होगी, इक्वल होंगी, लिमिट चेंज नहीं होगी, लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस चीज को देखते हैं यहाँ पर, इसको प्रूव कैसे होगा कि अगर हमें कोई p इज ग्रेटर देन n गिवन हो, ठीक है देन pth टर्म ऑफ एक्स एम इज p प्लस mth टर्म ऑफ x। अब इस चीज का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही सीक्वेंस की बात करते हैं कि x हमारे पास है टू फोर सिक्स एट टेन और अप टू सेवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम कहते हैं कि एक्स एम, मैं ये कोई वही ले रहा हूँ थ्री टेल, ये एक्स थ्री है, देखें ये स्टार्ट होगी अब एट से, टेन ट्वेल्व, किस तरह ये नंबर्स आ गए। तो अगर हम स्टूडेंट्स कोई नेचुरल नंबर चूज करते हैं p belongs to n, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चूज कर लेता हूँ फोर चूज कर लेता हूँ, p p थ्री हम चूज कर लेते हैं, ये हम थ्री चूज कर रहे हैं, वो कह रहा है कि pth टर्म ऑफ एक्स एम, ठीक है यानी यहां पर हमने p थ्री चूज किया है, तो pth टर्म ऑफ एक्स एम इज पी प्लस एम एथ टर्म। देखें पी थ्री था और ये भी क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा, ठीक है एम क्या बन जाएगा, एम भी थ्री है और पी भी थ्री है, तो ये टोटल बन जाएगा सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म ऑफ एक्स। देखते हैं, ये देखें स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ फिफ्थ, और ये यहाँ पर क्या आनी है, सिक्स टर्म आनी है ट्वेल्व। तो वो कह रहा है कि p प्लस mth टर्म ऑफ x ये इक्वल होगी pth टर्म ऑफ एक्स एम। ठीक है, अगर आप थर्ड टर्म ऑफ एक्स एम लें, थर्ड टर्म ऑफ एक्स एम क्या है स्टूडेंट्स, ये ट्वेल्व है। तो कह रहा है कि अब ये जो लाइन हमने पढ़ी हैं, ये कह रहा है कि अगर आप कोई नंबर चूज करते हैं n, सॉरी p ग्रेटर देन, सॉरी p बिलोंग्स टू n, ये अगर आप कोई नंबर चूज करते हैं, तो अब ये जो नंबर की टर्म होगी एक्स एम में, ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये मैंने थ्री चूज किया p, तो अब इस थ्री के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास जो एक्स एम में, एक्स थ्री में जो थर्ड टर्म होगी
वो थर्ड टर्म क्या आ रही है, 12 आ रही है। एक्स थ्री में अगर आप देखें तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ रही है, 12 आ रही है। तो अगर करें कि ये थर्ड टर्म जो टोटल है एक्स है, ये वाला एक्स, इसकी सिक्स टर्म की इक्वल होगी। तो सिक्स टर्म देखें तो ये भी 12 आता है, यानी ये इक्वल होगा सिक्स टर्म ऑफ एक्स। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 12 आता है। सिक्स टर्म ऑफ एक्स भी क्या आती है, 12 आती है। तो ये चीज यहां पर डिस्कस की जा रही है। नेक्स्ट है, सिमिलरली इफ क्यू इज ग्रेटर देन एम, अगर आप क्यू ग्रेटर देन एम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने एम लिया था, थ्री लिया था, यहां पर हमने एम क्या लिया था, थ्री लिया था। तो अगर मैं थ्री से कोई ग्रेटर नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल फाइव ले लेता हूं, तो क्यू को मैंने यहां पर फाइव ले लिया, तो क्यू इज ग्रेटर विच इज इक्वल टू फाइव, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री। देन क्यूथ टर्म, क्यूथ टर्म ऑफ एक्स, यहां पर ये बता रहा है कि अब क्यू हमने क्या लिया है, फाइव लिया है, तो फिफ्थ टर्म ऑफ एक्स, फिफ्थ टर्म ऑफ एक्स देखें क्या है, फिफ्थ टर्म आप देखें, पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये बन जाएगी यहां पर है 10 है। तो फिफ्थ टर्म ऑफ एक्स ये इक्वल होगी q माइनस एम एथ टर्म ऑफ एक्स एम, ठीक है, q माइनस एम करें तो q हमारे पास क्या था, 5 था, तो 5 माइनस 3 तो ये बन जाएगी सेकंड। तो ये जो हम अभी ले रहे हैं कि क्यूथ टर्म, ये सेकंड टर्म ऑफ एक्स एम के इक्वल होगी। तो सेकंड टर्म ऑफ एक्स एम देखें ये 10 है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एक्स थ्री है इसकी सेकंड टर्म क्या है, 10 है, तो यहां पर 10 है, तो देखें ये 10 अब ये चीज होल्ड कर रही है। तो ये आपने याद रखना है कि ए प्लस एम वाली टर्म और क्यू माइनस एम वाली टर्म, ठीक है। अज्यूम दैट, ये चीज यहां से अगर हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम होगा वो इजी हो जाएगा। वो कह रहा है कि अज्यूम दैट एक्स कन्वर्जेस टू एक्स, हम ये कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये एक्स को कन्वर्ज कर रही है। तो देन गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इफ द टर्म्स ऑफ एक्स फॉर एन इज ग्रेटर देन के ऑफ एप्सिलॉन सेटिस्फाई एक्स एन माइनस एक्स कमोड इज लेस देन एप्सिलॉन देन द टर्म्स ऑफ एक्स एम फॉर के इज ग्रेटर देन के एप्सिलॉन माइनस एम। तो देखिए जब हम ये चीज लेते हैं, ये वाली चीज जब हमने ये चीज ली थी तो ये कहां से आ रही थी स्टूडेंट्स, एक्स एम से आ रही थी। तो देखिए हमने यहां पर भी ये कहा है कि एक्स एम, यानी अगर ये चीज होल्ड हो जाती है जब आप एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, तो उसके लिए आप एक के फाइंड कर लेते हैं सच दैट के एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के ऑफ एप्सिलॉन, ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है, देन द टर्म्स ऑफ एक्स एम फॉर के इज ग्रेटर देन के ऑफ एप्सिलॉन माइनस एम सेटिस्फाई एक्स के माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर हम ये चीज फाइंड कर लेते हैं, थस वी कैन टेक एक्स के इज इक्वल टू एक्स एम ऑफ एप्सिलॉन, सॉरी के एम ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू के ऑफ एप्सिलॉन माइनस एम, सो दैट एक्स एम ऑल्सो कन्वर्जेस टू एक्स। देखें यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या ले रहे थे, हमने ये जब बात की थी कि अगर हम q इज ग्रेटर देन m लेते हैं तो qth टर्म ऑफ x इज यानी q माइनस m टर्म ऑफ x एंड x m होगी। तो अब यहां पर देखें, यहां पर अगर हम लेते हैं देन द टर्म्स ऑफ x m फॉर k इज ग्रेटर देन k ऑफ एप्सिलॉन माइनस m, यानी यहां पर अगर आप इस k को q रखें, ठीक है, यानी यहां पर इसको थोड़ा सा अरेज कर लेते हैं साइड से, ये हम साइड से अरेज कर रहे हैं। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर हम कोई q लेते हैं ग्रेटर देन m, देखें इस वक्त में क्या होगा,
अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर ये बताया रहा है कि k इज ग्रेटर देन इक्वल देन k ऑफ एप्सिलॉन माइनस n। तो अगर आप इसको q रख लें इज ग्रेटर देन इक्वल देन m, तो ये चीज टोटल जो वैल्यू होगी ये एज एम के तौर पर कंसीडर करेंगे। अगर ये चीज सेटिस्फाई करती है कि एक्स के माइनस एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, तो यहां से हम के एम ऑफ एप्सिलॉन ये ले सकते हैं के एम माइनस के ऑफ एप्सिलॉन माइनस एम टर्म। तो ये जो क्यू माइनस एम टर्म होगी ये एक्स एन की होगी, एक्स एम की होगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये जो यहाँ वैल्यू है ये एक्स एम की ही टर्म है। तो देखें ये चीज भी सेटिस्फाई करिए, अगर देखें अगर हम कि हमारे पास जो एक्स एम की टर्म है ये भी इसकी टर्म्स भी ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही है, यानी एक्स की भी ये चीज इन टर्म्स ये यानी जो इक्वलिटी थी ये भी होल्ड कर रही है और एक्स एम की भी कर रही है। तो उस रूप में देखें स्टूडेंट्स क्या होगी, अगर हमने कहा था कि अगर x कन्वर्जेंट होगा देन दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो यहां पर अगर हमने x को सीक्वेंस को कहा था कि ये कन्वर्ज करती है x को, तो यहां से हमें ये मिला कि एक्स एम इज आल्सो कन्वर्जेस टू x, ठीक है। तो अगर ये चीज होल्ड हो जाती है तो ये हमारे पास जो थ्योरम था यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि अगर x कन्वर्ज करता है देन एक्स एम आल्सो कन्वर्जेस, ठीक है, कि अगर एक्स एम कन्वर्ज कर रहा है तो एक्स भी कन्वर्ज करेगा। तो हमने ये देखा कि अगर एक्स कन्वर्ज कर रहे हैं तो एक्स एम भी यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ये इस तरह प्रूफ होना था। अब हम इसको कन्वर्सली प्रूफ कर लेते हैं। कन्वर्सली ये है कि इफ द टर्म्स ऑफ एक्स एम फॉर के इज ग्रेटर देन के ऑफ एप्सिलॉन सेटिस्फाई एक्स के माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन देन द टर्म्स ऑफ एक्स फॉर एन इज ग्रेटर देन के ऑफ एप्सिलॉन प्लस एम। जब हम प्लस लगाएंगे तो अब ये बनेगी किसकी, एक्स की टर्म्स बनेगी, ठीक है। देखिए जब हमने ये प्लस लगाया था तो हमें क्या मिली थी, ये एक्स की टर्म मिली थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमें अब एक्स की टर्म मिलेगी, अगर एक्स की टर्म भी ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, देखें यहां पर एक्स एक्स एम की टर्म्स भी एक्स को कन्वर्ज कर रही है और यहां से हमें ये मिला कि एक्स की टर्म्स भी एक्स को कन्वर्ज कर रही है। दस वी कैन टेक, यहां से हम ये वैल्यू ले सकते हैं k ऑफ एप्सिलॉन की, तो देयरफॉर x कन्वर्जेस टू x इफ एंड ओनली इफ x m कन्वर्जेस टू x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम इस तरह प्रूफ हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।